अलार्म दूर रखे ताकि आपको उठ के उसको उठाना ही पड़े वरना वो आपको इतना इरिटेट करेगा कि आप सो नहीं सकेंगे तो बेदार होते ही रोशनी कर देनी चाहिए पंखा एसी बंद कर देना चाहिए ताकि नींद का गलबा चला जाए इसी तरह ये कि टाइमिंग्स अपने मुकर्र करें ताकि उठने में आसानी हो फिर नींद से तबीयत बोझुल हो रही हो तो अपने पास ही पानी रख के सो सोजे और अपना हाथ उसमें डाल के अगर कोई नहीं चींटा मारने वाला तो खुद अपने मुंह पे मार ले और उसका बंदोबस्त कर ले और इसी तरह की रात को सोते वक्त बहुत नहीं खाकर सोए ताकि आप सुबह जाग सके ठीक सोने से पहले सुबह तहजुद और फजर की नमाज अदा करने का इरादा करके सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिस्तर पर आए और उसकी नीयत ये हो कि उठकर रात को नमाज पढ़ूंगा फिर उस पर नींद का ऐसा गलबा हो कि सोते सोते सुबह हो जाए तो उसको जिस अमल यानी नमाज तहज की उसने नीयत की थी उसका सवाब भी मिलेगा और उसकी नींद उसके रब की जानब से उस पर सदका होगी ठीक है तो इससे क्या पता चलता है कि रात को ही नियत कर लें कि इतने बजे उठना है और इतने बजे ये काम करना है अगर किसी वजह से ना भी हो सका कभी या ताखिर हो गई तो भी इनशाला अजर मिल जाएगा रसूल सल्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को जगाता है अगर वो इनकार करे तो उसके मुंह पे पानी की छींटे मारता है और रहम फरमाया अल्लाह ताला उस बंदी पर जो रात को उठकर नमाज पढ़ती है और अपने शोहर को जगाती है अगर वो इनकार करे तो उसके मुंह पे पानी की छींटे मारती है। क्या चीज इंसान को जगाती है कोई शौक जगाता है ना कोई मोटिवेशन होनी चाहिए कि जाके करना क्या है तो जब तक आप अपना डे उसके मुताबिक प्लान नहीं करेंगे कि इस वक्त में मुझे ये करना और जरूरी करना है और यही टाइम है मेरे पास ये काम करने का तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपको जागने का कोई पर्पज ही नहीं है क्यों जागे लेकिन अगर कोई काम होगा तो आप कहेंगे ओह मैं दो मिनट भी लेट क्यों हुई तो उस वक्त के लिए कुछ स्केजूल करें अपना तो एक तो यह है कि सोने के टाइम को थोड़ा प्रॉपर करें दूसरा यह है कि उठने के टाइम को जैसे फिक्स कर लेना इससे भी आपको फायदा होगा कि इतने बजे उठना है उठने के इतनी देर के बाद मुझे ये काम स्टार्ट करना है कोई भी इम्पोर्टेंट काम उस वक्त का रख ले क्यूँकी नबी वसल्लम ने उसके लिए बरकत की दुआ की फिर यह है कि आप ये देखें कि मसलन आप क्यों नहीं उठ पाते क्या आपके जिस्म में दर्द है क्या आपको उस वक्त बहुत भूख लगी है वीकनेस हो रही है क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई उसके रीजन जाने और फिर जब वो रीजन पता चल जाएगी तो इनशाला उससे फायदा भी होगा जब तक आप बच्चे है ना तो माए बहुत बड़ा रोल प्ले करती मसलन मुझे अपने बच्चों की समझ होती थी कि इस वक्त इनको मसाज चाहिए इस वक्त ये हिस्सा प्रेस करूंगी तो इनकी आंखें खुल जाएंगी इस वक्त इनको ये काम बताऊंगी तो ये फिर जाग जाएंगे कोई ऐसी खबरें कोई ऐसी चीजें मैंने रखी होती थी कि जो उनका दिमाग एक्टिव कर दे मसला आप जिसमानी तौर पर थके हुए हैं तो अपनी मम्मी से कहते मम्मी आप मुझे इस वक्त मेरे कंधे दबा दें या मेरे सर को या मेरे यहाँ कान को कुछ कर दें जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट है तो वो इससे आपकी आंखें फिर खुल जाएंगी एक और यह है कि आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें, उससे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और वो जो खास तौर पर मैंने बताया था ना कि अगर वीकनेस फील हो रही है जो भी हो उसके मुताबिक तो इनशाला आप देखेंगे लेकिन लाजमी तौर पर एक स्केजल करें, इतने बजे उठ के इतनी देर में मुझे ये कर लेना है इतनी देर में खत्म होना चाहिए बस मेरे लिए होता है कि इतनी देर में वितर पढ़ने हैं तो अगर मैं लेट हुई तो मेरा वो स्केड चला जाएगा कुरान पढ़ने में अब मित्र का टाइम तो आगे नहीं जा सकता ना वो तो उसका एंड है ना तो अगर मैंने सुस्ती की तो क्या होगा फिर पीछे रह जाऊंगी तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई काम ना किया जाए तो फिर उसका कोई अजर सवाब मिल जाए और फिर ये कि इतनी देर में फजर की नमाज हो जानी चाहिए इतनी देर में अज़क़ार हो जाने चाहिए तो हर चीज के आप चंक्स बना लें